एथलेटिक के बारे में कहते हैं इट्स मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। पढ़ाई के साथ साथ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी इस चीज के थ्रू होती रहे। ये मेरे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के मेडल्स हैं, इसके अलावा मेरी दो और शील्ड्स हैं। स्पोर्ट्स डे इज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज वन कुड हैव। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ये सब हमें अपने माजी में ले जाते हैं। तलबा और तालबात की सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए FPS की जानिब से स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। पब्लिक स्कूल में कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की जानिब से मुनक्किदा स्पोर्ट्स डे के मौके पर एथलेटिक्स के मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें जिना इकबाल और लियाकत कैंपस के तलबा ने हिस्सा लेकर अपने अपने हाउसेस की जीत के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। मैं सीनियर हूँ, ये मेरा लास्ट स्पोर्ट्स डे होगा और हमें अब तक बहुत अच्छा इवेंट रहा है, हमें बहुत ज्यादा मजा आया है। अलग अलग तरह के इवेंट्स गेम्स हुई हैं। मैंने 3 मेडल ट्रैक इवेंट्स में हासिल किए हैं, 200 मीटर फ्लैट फ्रॉम कैम्ब्रिज सीनियर गर्ल्स, 100 मीटर फ्लैट फ्रॉम कैम्ब्रिज सीनियर गर्ल्स और एक मिक्स्ड रिले फ्रॉम कैम्ब्रिज सीनियर, जिसमें हम 4 लोगों ने 100 मीटर भागा है और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इस दौरान तलबा के साथ साथ वालदेन ने भी खेल में हिस्सा लिया और माजी की यादों को ताज़ा करते हुए खूब दौड़ लगाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चों की स्पिरिट जो है वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो गई है और वो हमें भी एक्टिव होने में मजबूर कर रही है, तो अच्छा है, हमें भी अच्छा लगा। और ऐसे इवेंट्स तो होते ही हैं और होते रहने चाहिए। और इसका कॉन्फिडेंस, मेरी बेटी जो है उजाले आबिद नाम है उसका, और वो बेस्ट एथलीट्स है, वो इसी इवेंट से गुजर गुजर के उसको कोई 5 या 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी है अब तक। FPS के एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल समीउल्लाह का कहना था कि हमारे स्कूल ने अब तक एथलेटिक्स के खेलों को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि एथलेटिक्स के खेल न सिर्फ बच्चों की सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देते हैं बल्कि इन्हीं में से बासलाहियत खिलाड़ी मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम ऊँचा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हैदराबाद में इतना अच्छा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर ये इसको लोगों के लिए खोल दें, बच्चों के लिए खोल दें, तो बहुत से यूथ जो है ना इस फैसिलिटी को अवेल करने के बाद ऊपर आ सकती है। इससे पहले जेवलिन और शॉट पुट ये सारी चीज़ें जो है इन हाउस हमारे पास स्कूल में हो गई, आज हमने मेन इवेंट्स रखे हैं जो कि मोर देन 70 इवेंट्स हैं। तकरीब के अख्तिताम पर खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए, जबकि जीत की ट्रॉफी का सहरा इकबाल कैंपस के हिस्से में आया। रेहान गनी, पासवान न्यूज़, हैदराबाद।